सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में इंजन ऑयल चेंज करेंगे और मोबिल फिल्टर भी चेंज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस इंजन ऑयल चेंज करने के लिए आपको एक प्लास और ये 12 नंबर का गोटी और ये 19 नंबर का गोटी और ये 8 नंबर का गोटी और ये हैंडल की ज़रूरत पड़ेगा आपको। और मैंने भी ये टी भी रख लिया, साथ में काम करने में आसान होगा। तो चलिए इंजन ऑयल चेंज करते हैं। जो 12 नंबर का गोटी है इसको हम पहले खोल देंगे, इसको हम पहले खोल देंगे। और यहाँ पे देखिए 8 नंबर का दो नट है, इसको भी हम खोलेंगे। पहले हम ढीला करके छोड़ेंगे क्योंकि इसको खोलने में पूरा मोबिल गिर जाएगा एक बार में खोलने में। बाद में हम लोग खोल देंगे एक बार में तीनों को। पहले हम इस 8 नंबर का जो दो नट है इसको भी हम खोल देंगे। इसको हम थोड़ा ढीला करके रखेंगे नहीं तो कैमरा में मोबिल आ जाएगा। तो गाइस इसमें 19 नंबर का नट रहता है, ये लगता है कोई ख़राब कर दिया था और उसको जो स्कूटर का जो प्लाक है उसको उल्टा करके इसमें लगा दिया। तो इसको भी हम खोल देंगे। तो गाइस इसमें देख ले, इसमें 8 नंबर का जो 3 नट है इसमें मोबिल फिल्टर रहता है, इसको भी हम खोल देंगे और इसको नया लगाएंगे हम फिल्टर को। तो चलिए फिल्टर को खोलते हैं। और गाइस हमारा ये फिल्टर भी खोल गया, इसको हम निकाल लेंगे अभी। और इसमें जो वेल कैप है इसको भी हम खोल देंगे, यार निकल जाएगा। ये मोबिल फिल्टर ख़राब हो चुके हैं और इसको हम लोग नया लगा देंगे। इसमें इसको हम नया लगाएंगे और मोबिल के साथ जो फिल्टर है इसको चेंज करने में ही अच्छा है, तो हम भी इसको नया लगा देंगे। तो गाइस एनफील्ड क्लासिक 350 में 2.5 लीटर का मोबिल लगता है और ये मोतुल की है, ये हम मार्केट से ख़रीद के लेके आया और इसी को हम डालेंगे। गाइस मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।